लिफाफा ये सब निकलता है, तो भाई इस लिफाफे को साइड करते हैं। भाई कितना लिफाफा, ये देखो इसका बिल है गोप्रो का, जो कि अपन लोग 37,000 की 3 बैटरी यहाँ से चार्जिंग होता है, और फिर यहाँ पर लाइट शो करेगा। अगर ग्रीन लाइट हो गया तो बैटरी फुल चार्ज, रेड हो गया मतलब पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, येल्लो में थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है। तो इसको साइड रखते हैं, इसको साइड। जय श्री राम गाइस, कैसे हो सारे लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, जैसा कि कल का वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था अपना सारा एसेसरीज GoPro एक्शन कैमरा का, कि आप लोग कैसे एक वीडियो बना सकते हो, मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। तो आज गाइस आप लोग को सारा का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले, आप लोग अनबॉक्स करके उसका फुल सेटअप करके दिखाएंगे, और अगर टाइम बचा तो आज ही मोटो ब्लॉगिंग करके भी दिखाएंगे। तो चलो अपन लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट और फिर आप लोग को सारा एक एक करके सेटअप करके दिखाते हैं गाइस। आप लोग को सारा कुछ दिखाने वाले, कैसे अपन लोग सेटअप कर सकते हैं सारा कुछ को। तो पहले अपन लोग GoPro 12 कैमरा लेते हैं, इसको तो अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोग को दिखा दिए थे, बट एक बार फिर से अपन लोग अनबॉक्स करते हैं इसका। ये देखो GoPro, इसका कवर ये है, तो इसको अपन लोग रखते हैं साइड में और फिर इस डब्बे को खोलेंगे ना, तो पहले कुछ ऐसा कुछ निकलता है, इसका कुछ लिफाफा ये सब निकलता है, तो भाई इस लिफाफे को साइड करते हैं। ट्रांसफर डेटा केबल है, तो इसे अपन लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर ये अपना GoPro है एक्शन कैमरा, जो कि आप लोग देख सकते हो, इसको अनरैप अपन लोग पहले ही कर चुके थे, बट आज फिर से अनरैप करते हैं। देखो भाई आगे का लुक क्या ही मस्त आ रहा है ना। तो यही अपना GoPro है, इसको अपन लोग पहले रखते हैं यहाँ पे, इस डब्बे पे ही रख देते हैं। और फिर ये इसका चिन माउंट है, जो कि अपन लोग हेलमेट पे फिक्स करेंगे, बट ये वाली अपन लोग फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये कभी भी निकल सकता है। तो इसके बाद बारी आती है गाइस अपना चिन माउंट, तो ये चिन माउंट को भी निकालते हैं। जैसा कि तो ये अपना चिन माउंट है, जो कि हेलमेट में फिक्स करेंगे अपन लोग, तो इसको भी निकाल लेते हैं इधर। तो मैं थोड़ा सा जल्दी में आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, क्योंकि यार तो ऑप्शन कैमरा रखने वाला, इसे अपन लोग कैमरा को फिक्स करेंगे और इसका कुछ लेंस का ये दिया गार्ड, तो इसको साइड करते हैं। ये कैमरा को अपन लोग यहीं पे रखते हैं। ये अपना मेमोरी कार्ड है, इसके बिना तो ये अपना एडेप्टर, एडेप्टर भी आ गया बाहर। भाई देखो कितना छोटा है यार, इतना छोटा सा एडेप्टर का रेट है 4800। ये सबसे मेन है GoPro एक्शन कैमरा का, इसी में अपन लोग ईयरफोन यूज कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं और फिर इसे डाटा ट्रांसफर करेंगे। तो ये कुछ है, ये अपना लास्ट में ईयरफोन, ये भाई इसको भी दिखा देते हैं आप लोगों को। भाई ये हो गया ईयरफोन, ईयरफोन है। और फिर इसका ये टू लाइन वाला, इसमें सिर्फ GoPro में जाता है, सपोर्ट लेता है, ये देख रहे हो टू लाइन, एक और दो, सिर्फ दो ब्लैक लाइन रहना चाहिए, वही सपोर्ट लेगा इसमें, वरना थ्री लाइन वाला नहीं लेगा। और फिर ये बैटरी चार्ज वाला, तो इसको भी आप लोग को दिखा ही देते हैं कैसा होता है, करते हैं, जो कि 3 बैटरी यहाँ से चार्जिंग होता है, और फिर यहाँ पर लाइट शो करेगा। अगर ग्रीन लाइट हो गया तो बैटरी फुल चार्ज, रेड हो गया मतलब पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, येल्लो में थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है GoPro का, जो कि मैंने 2 बैटरी से दिया, देख सकते हो कितना छोटा बैटरी, यही 4500 का 2 बैटरी है। तो एक बैटरी का रेट कितना होगा आप लोग समझ सकते हो, 2700 समथिंग का, 2700 नहीं भाई, 2200 समथिंग का है, 2250 रुपये का एक बैटरी है। तो इसको इसी में डाल के इसको करते हैं साइड। तो ये यहाँ पे अब आपको गाइस दिखाते हैं कैसे हेलमेट में सेट होगा। तो पहले अपने को ये वाली उठा देनी है, उसके बाद गाइस हेलमेट से पहले आप लोगों को कैमरा का सेटअप करके दिखाते हैं। इस प्रो एक्शन कैमरा को इसमें फिट करने के लिए आपको यहाँ से इसको नीचे की ओर स्लाइड करो और ऊपर की ओर ऐसे उठा दो, ये हो गया। फिर इसको कवाड़ना है अपने को, ये निकल गया। और अब इसे फिट करने के लिए इससे पहले अपन लोग मेमोरी कार्ड यहाँ पे डालेंगे, इसमें मेमोरी कार्ड जाएगा, इसमें बैटरी ऑलरेडी हमने फिट कर दिया था, स्टार्ट करने के लिए मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन लोग यहाँ पे सिंपल सा इसमें डाल देते हैं मेमोरी कार्ड, और ये एडजस्ट हो चुका है। अब इसमें अपन लोग कैमरा फिट करने की बारी आती है, तो ये देखो कुछ इस प्रकार से, और फिर इसको अपन लोग ऐसे करके इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अपन लोग इसको लॉक कर देंगे, ये हो गया लॉक। और अब इसको भी अपन लोग ये लेंस को भी निकाल सकते हैं, बट अपन लोग ऐसे ही फिट रहने देते हैं। और उसके बाद इसको करते हैं लॉक, तो ये हो गया लॉक। और अब अपन लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं कैमरा को, या तो नहीं भी स्टार्ट कर सकते, बट पहले स्टार्ट करके आप लोग को दिखा देते हैं।
तो ये वाली इधर बटन है, इस पर क्लिक करो, कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया गोप्रो स्टार्ट अपना, लाइक देख सकते हो अभी गोप्रो लिखा रहा, दिख रहा है गोप्रो 12। तो अभी इसका सेटअप कर देते हैं, इंग्लिश में चाहिए अपने को, एग्री, वॉइस ऑफ अभी रखते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐप है जो कि अपने को फोन में ऐप है, तो पहले इसको इंस्टॉलेशन कर लेंगे फोन से, तब आपको दिखा देंगे लास्ट में गाइस। फिलहाल अभी इसका जरूरत नहीं, इसीलिए इसको कर देते हैं ऑफ, गोप्रो को ऑफ हो गया, ऑफ, ये ऑफ हो गया। तो अभी इसका काम हो गया खत्म, और अभी अपने को चिन मोड फिक्स करनी है हेलमेट पे। तो सिंपल सा बात है, ये जो ऊपर वाला दो स्ट्रिप है ना, इसको अपन लोग यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और नीचे का एक स्ट्रिप, इसमें दोनों साइड एक एक घुसाना है, एक इस साइड से डालना है, एक इस साइड से डालना है। तो आप लोगों को फिक्स करके दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस, ये अपन लोग चिन माउंट को इसमें कर चुके हैं इंस्टॉल, और अब बारी आती है गाइस कैमरे को इसमें इंस्टॉल करने की। तो आप लोगों को कैमरा भी इंस्टॉल करके दिखाते हैं, बट उससे पहले ईयरफोन, ये सब सारा कुछ एडाप्टर, ये सब अपन लोग सेटअप कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वो भी। तो ये कैमरा है, इसमें अपन लोग एडाप्टर सेट करेंगे, तो एडाप्टर सेट सिंपली सी गाइस से डाल देते हैं, गाइस चला जाएगा, ये निकल गया, फिर ये इधर से आ गया ऐसे, ये हो गया। अब इसको सिंपल सा थोड़ा सा मोड़ो, और फिर इसमें अंदर को इसमें डाल दिए, और अभी हेलमेट में इसको डालनी है, उसके बाद अपन लोग कैमरा भी सेटअप करके दिखाएंगे। तो कुछ ऐसा सेटअप हो गया, अब इसमें सिंपली कुछ भी काम नहीं करनी है, बस ये जो भी कैमरा है ना, इसको अपन लोग को हेलमेट में फिट करनी है। तो इसमें देखो अपन लोग हेलमेट में इसको फिट कर चुके हैं, अब बारी आती है इसको, इसका जो भी पार्ट्स ऊपर से आप लोगों को दिख रहा है ना, इसको हटाने की। तो सिंपल सा इसको पकड़ो, और फिर ये लेंस को हटाने की बारी आए ना, तो फिंगर से बीच में लो, और फिर इसको निकाल दो। ये पहला निकल गया, दूसरा ये जो भी है ना, यहाँ पे एक माइक होती है, एक लाइट होती है, तो आप लोग इसको भी हटा सकते हो। तो सिंपली इसको पीछे की साइड स्लाइड करो और खींच दो, ये निकल गया, बचा ये। और फिर अभी अपने को माइक फिट करनी है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, ये माइक फिट ऐसे नहीं होता, इसे पहले डबल लाइन वाला ये इसमें जाएगी एडाप्टर में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, उसके बाद ईयरफोन यूज होगा। तो आप लोग को ये भी फिट करके दिखा देते हैं। तो ये पिन है, देख सकते हो दो लाइन वाला पिन है, एक दो, इसको अपन लोग इसके एडाप्टर में डाल देते हैं, लाइक भाई चला जा, ये चला गया। और बारी आती है अब अपना हेडफोन का, तो ये वाला हेडफोन था ना, अपन लोग यही मंगाए थे ना, हाँ यही वाली मंगाए थे। तो ये हेडफोन इस प्लग में डालो, ये ऐसे चला गया, और इसको सिंपल सा अपना हेलमेट में कहीं भी आप फिट कर सकते हो, और फिर मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो बस यही कुछ है, और टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो अपन लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। सो आज इतना ही रखते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइज, बाय बाय।